जनशक्ति यूट्यूब चैनल से मैं राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी बैंक या NBFC या 7 दिन और 15 दिन वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो फ्रेंड्स अब आपको सावधान रहना होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल पर, अब लोन की रिकवरी करेगी पुलिस। तो इसमें कितनी सत्यता है आपको इसके बारे में हम प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है आप वीडियो कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो इनकम्प्लीट देखेंगे तो फिर जय जनशक्ति उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वीडियो देखने के बाद ही कोई अपनी राय दें और वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि बहुत लोगों तक जानकारी पहुँचे तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम देवेंद्र कुमार है और वह मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, उनके साथ में बहुत बड़ा इशू हो गया है। उन्होंने बैंक और NBFC से लोन लिया है, प्लस ये जितनी भी 7 दिन और 15 दिन वाली लोन एप्लीकेशन है, बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी उन्होंने लोन लिया है। लॉकडाउन के चलते, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया अपनी ईमेल में, लॉकडाउन के चलते वे पेमेंट नहीं कर पाए बैंक्स, NBFC और जितनी भी लोन एप्लीकेशन है इनकी। तो उनके साथ में आज क्या इशू होता है फ्रेंड्स, एक उनके पास में कॉल आती है और वह कॉल करने वाला व्यक्ति उनको बताता है कि आपने बहुत सारे बैंक और बहुत सारी NBFC जो लोन एप्लीकेशंस हैं आपने उनसे लोन लिया है, आप उनके साथ में 420 कर चुके हैं, आप उनके साथ में 420 कर चुके हैं, आप उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको अभी तुरंत थाने में विजिट करना है। फ्रेंड्स, देवेंद्र जी बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, उनको कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता है। वो हमें ईमेल करते हैं और हमारे पास में उनका ईमेल तुरंत पहुंच जाता है। हम उनसे बात करते हैं, जो उन्होंने ईमेल में नंबर दिया था उनसे सारी डिटेल्स लेते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको देखते हैं कि भाई क्या बात हो गई। उन्होंने बताया है कि सर अब मेरे पास में पुलिस आ रही है और मैंने इस तरीके से कुछ बैंक और NBFCs का पैसा नहीं दिया है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फ्रेंड्स, फिर हम उस व्यक्ति से बात करते हैं कॉन्फ्रेंस पे लेकर के कि भाई तेरा क्या समस्या है, बता हमें, तू कौन से थाने से बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, सारी चीज़ें हम पता करते हैं। और फिर हम वहाँ पे बात करने के बाद में उससे सारी डिटेल निकलवाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि वह किसी कंपनी का रिकवरी एजेंट है, किसी कंपनी का रिकवरी एजेंट है। उसने हमें बताया कि वह कैस्टियम और iCredit में जॉब किया है उसने और उसके पास में बहुत सारे लोगों का डेटा है, तो इस वजह से वो कॉल कर रहा था कि कुछ पैसा निकल जाए। तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने उनसे 5,000 रुपये की डिमांड की और 5,000 रुपये की डिमांड करने के बाद में बोला कि कोई आपके घर पे पुलिस विजिट नहीं करेगी, कोई आपके घर पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिएगा मेरे अकाउंट नंबर में। अकाउंट नंबर भी वो शेयर किया उनके साथ में उसने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से उसने सारी डिटेल्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराई और कहा कि आपके पास में कोई पुलिस नहीं आएगी, आप इतने रुपए में मामले को रफा दफा कर दीजिए बाहर से बाहर ही। फ्रेंड्स देखिए, अब आपको बता दूं, जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो चाहे वो कहीं से भी लोन लिया हो, देखिए इसमें ना तो कोई आपको जेल होती है, समझ रहे हैं ना। अगर कोई सिविल का मैटर पड़ता है तो सिविल मैटर में मैंने तो देखा नहीं है कि आज तक किसी को लोन के मैटर में जेल हुई हो। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है, बाकी आप किसी अधिवक्ता वगैरह से भी इसमें सलाह ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मेरे को जितनी नॉलेज है, मैंने तो आज तक कोई ऐसा केस देखा नहीं जिसमें किसी को जेल हुई हो या पुलिस ने पकड़ा हो, ऐसा मैंने आज तक कोई केस नहीं देखा है। हाँ, अगर आप डिफॉल्टर होते हैं तो आपके ऊपर जो लीगल प्रोसीडिंग होती है कानूनी तरीके से वो की जा सकती है, लेकिन जेल या पुलिस का मैटर तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि होता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक श्योर हूँ मैं कि इसमें कोई ऐसा पुलिस केस या कोई भी ऐसा मैटर नहीं होता है। अगर आपका कोई चेक बाउंस वगैरह होता है तब उस मैटर में तो होता है भी ये शायद, लेकिन ये कोई क्रिमिनल केस तो नहीं होता है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और ना ही ये कोई 420 का केस होता है कि आपने 420 कर दिया, ये कर दिया। अरे, आपके पास में अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ कंपनी से टाइम मांग रहे हैं, तो इसमें तो केस वाली कोई बात नहीं आती है। फ्रेंड्स, ऐसे किसी भी व्यक्ति से आपको डरने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और आपको ऐसे किसी व्यक्ति को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई बैंक या NBFC का कोई व्यक्ति ऐसे कॉल करके पैसे मांग रहा है या कुछ भी कर रहा है
तो आप डायरेक्टली उनकी ब्रांच में जाकर के विजिट करें और उन्हें वहां से पेमेंट करें। अब बात आती है जैसे कि रजिस्टर्ड एप्लीकेशन किस्त वगैरह ये सब चीज़ें, अगर आपके साथ में कोई उत्पीड़न नहीं किया है, कोई समस्या नहीं है, आपका कोई केस नहीं है इनसे, आपको परेशानी नहीं हुई है, तो आप इनकी एप्लीकेशन में जाकर भी इन्हें पैसा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर आप इन एप्लीकेशन से प्रताड़ित हैं तो पहले इनको कानूनी तरीके से सबक सिखाएं और इनकी कंप्लेंट्स फाइल करें, उसके बाद में पेमेंट देने या ना देने की बात करें इन कंपनीज के लिए, तो मैं यही कहूँगा। अब फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, देखिए पुलिस वगैरह का कोई मैटर तो नहीं होता है, कोई पुलिस वुलिस नहीं आने वाली है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। और ऐसे लोगों से आप बिल्कुल अवेयर रहिए, आपको डराएंगे, आपको इस तरीके से कॉल आ सकती है, क्योंकि बहुत सारा डेटा इन लोगों के पास में चला जा चुका है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और फ्रेंड्स देवेंद्र जी अब एकदम बिल्कुल, उनको मैंने तरीके सारे बता दिए, रिकवरी एजेंट्स ने उनको परेशान करना बंद किया और साथ ही साथ उसने अपना नंबर वगैरह भी बंद कर दिया है, अब उसका नंबर भी नहीं लग रहा अगर कॉल कर रहे हैं तो देखिए ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में हो रहा है तो तुरंत वो इस वीडियो को शेयर करें और उनको अवेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ और कन्फ्यूजन आपके माइंड में अब नहीं होगी, क्योंकि पुलिस वुलिस का ये मैटर नहीं होता है और कोई पुलिस वुलिस लोन रिकवरी के मैटर में नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और आप एकदम टेंशन फ्री रहें, निश्चिंत रहें, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।